तो गाइस कल की टेक न्यूज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि Redmi Note 11 स्मार्टफोन जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था वो स्मार्टफोन इंडिया में Poco M4 Pro 5G नाम से लॉन्च होने वाला है। और गाइस आज ऐसी जानकारी मिली है कि Redmi Note 11 Pro एंड 11 Pro Plus स्मार्टफोन, ये दोनों स्मार्टफोन्स भी इंडिया में काफी जल्द लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च होने वाले है। ऐसी जानकारी मिली है कि Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन इंडिया में Xiaomi 11i नाम से लॉन्च हो जाएगा एंड Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Xiaomi 11i हाइपरचार्ज नाम से लॉन्च हो जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों ही स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर काफी जल्द लॉन्च होने वाले हैं। तो क्या आप लोग Redmi Note 11 सीरीज के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो? तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, Redmi के दो नए स्मार्ट वियरेबल प्रोडक्ट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं यूरोप मार्केट के अंदर, जिनका नाम है Redmi Band Pro एंड Redmi Watch 2 Lite स्मार्ट वॉच। ये दोनों प्रोडक्ट्स यूरोप मार्केट के अंदर अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्राइसिंग अभी भी Redmi ने अनाउंस नहीं की। लेकिन गाइस, ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर भी काफी जल्द लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही वियरेबल प्रोडक्ट्स को मिल चुका है इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया में भी काफी जल्द लॉन्च हो जाएंगे। VIOFone नेक्स्ट स्मार्टफोन का काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये स्मार्टफोन, ऐसी जानकारी मिली थी कि इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 3,500 रुपए की प्राइस पर। लेकिन कल जियो ने शाम को लॉन्च कर दिया VIOFone नेक्स्ट स्मार्टफोन इंडिया के अंदर, लेकिन इसकी प्राइस है 6,499 रुपीज, यानी कि 6,500 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। अगर आपको EMI में खरीदना है तो आपको डाउन पेमेंट पहले देना होगा 2,000 रुपए, फिर आप लोग प्लान चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन 6,500 रुपए में ये स्मार्टफोन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 7,000 रुपए में मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पर फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं VIOFone नेक्स्ट के कंपेयर में। आपको VIOFone नेक्स्ट की प्राइस किसी लगी वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। One UI 4 थोड़े समय पहले ही अनाउंस हुआ था, लेकिन One UI 4 का अपडेट कौन कौन से स्मार्टफोन में मिलने वाला है उसकी लिस्ट सैमसंग ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की थी। सैमसंग ने कल तक अनाउंस नहीं की थी, लेकिन आज सैमसंग ने वो लिस्ट रिवील की है। ये लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इन सभी स्मार्टफोन्स को One UI 4 का अपडेट काफी जल्द मिल जाएगा। सबसे पहले फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स में मिलेगा, फिर मिडिल स्मार्टफोन्स में मिलेगा, और आखिर में बजट स्मार्टफोन्स के अंदर भी One UI 4 का अपडेट मिल जाएगा। और गाइस, आज की आखिरी न्यूज iQOO के बारे में है। तो iQOO Neo 6 SE स्मार्टफोन जो कि चाइना के अंदर काफी जल्द लॉन्च होने वाला है, उस स्मार्टफोन को आज मिल चुका है 3C सर्टिफिकेशन, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन के अंदर 66 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और गाइस, ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर एक या फिर दो महीने के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।